अश्विन शुक्ल पक्ष मूल रूप में प्रकृति और पुरुष के प्रतीक आदि शक्ति स्वरूपा माता भगवती की आराधना एवं सनातन धर्मियों के माँ तथा मस्तिष्क में बसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हैं। प्रत्येक वर्ष अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में नवमी पर्यंत दशमी तक माँ भगवती को पूजने मनाने एवं शुभ कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय है। अश्विन मास में पड़ने वाले इस नवरात्र को शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है। इस नवरात्र की विशेषता है कि हम घरों में कलश स्थापना के साथ साथ पूजा पंडालों में भी स्थापित करके माता भगवती की आराधना करते हैं। इस कारण से अभिजित मुहूर्त में ही स्थापना करना शुभ एवं फलदायक होता है। अभिजित मुहूर्त सभी शुभ कार्यों के लिए अति उत्तम होता है, जो कि प्रतिपदा के दिन मध्याह्न 11:36 से 12:24 तक होता है। बता दें कि अश्विन शुक्ल प्रतिपदा रात्रि 12:33 तक, पश्चात द्वितीया अश्विन शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा और शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगा। घट स्थापना 10:24 के बाद होगा। नवरात्र की शुरुआत रविवार से हो रही है, अतः घरों में माता का आगमन गज की सवारी पर होगा, जो राष्ट्र की जनता के लिए सामान्य फलदायक एवं वर्षा कारक होगा। आम जन के स्वास्थ्य एवं धन पर सामान्य प्रभाव भी पड़ता है। पूजा पंडालों में माता के आगमन का विचार सप्तमी तिथि के अनुसार किया जाता है एवं गमन के अनुसार दशमी तिथि से किया जाता है। सप्तमी तिथि को शनिवार होने से बंगिया पद्धति के अनुसार देवी का आगमन तुरंग पर होगा और इस प्रकार से घरों में माता का आगमन हाथी एवं पूजा पंडालों में माता का आगमन तुरंग अर्थात घोड़े पर हो रहा है, जो छात्र भंग कारक, कष्टप्रद और पड़ोसी राष्ट्रों से विवाद या युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर भी सच्चे मन से आराधना करने से माँ का आशीर्वाद हम सभी के लिए शुभ कारक होगा। रात्रिकालीन अष्टमी की महानिशा पूजा 21 अक्टूबर दिन शनिवार को रात में होगी। महाअष्टमी का व्रत पूजा 22 अक्टूबर के दिन रविवार को किया जाएगा और साथ ही 22 अक्टूबर को ही संधि पूजा का समय संध्या 5:01 से लेकर 5:49 तक होगा। महानवमी का मान 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा और वहीं पर पूर्व नवरात्रि के समापन का हवन पूजन में नवमी तिथि पर्यत 23 अक्टूबर दिन सोमवार को दिन में 3:10 पर कर लिया जाएगा। 23 अक्टूबर दिन सोमवार को ही बता दें कि दशमी तिथि और श्रवण नक्षत्र प्राप्त होने के कारण विजयदशमी के पर्व का मान भी हो जाएगा। दशमी तिथि में माता के गमन के विचार किए जाते हैं, अतः देवी का प्रस्थान इस वर्ष महिषा अर्थात भैंसे पर होगा, जो कि शुभ फलदायक नहीं होता है अपितु राष्ट्र में तनाव की स्थिति को उत्पन्न करने के साथ साथ शोक कारक वाला भी साबित होगा। पूर्व नवरात्र व्रत का पारण उदयकालीन दशमी तिथि 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। उदयकालीन दशमी तिथि को मनाने वाले पूजा पंडालों में स्थापित माता दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को भी किया जा सकता है। बता दें कि अश्विन शुक्ल पक्ष मूल रूप में प्रकृति और पुरुष के प्रतीक आदि शक्ति स्वरूपा माता भगवती की आराधना एवं सनातन धर्मियों के माँ तथा मस्तिष्क में बसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हैं और प्रत्येक वर्ष अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी पर्यंत दशमी तक माँ भगवती को पूजने मनाने और साथ ही शुभ कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय है। अश्विन मास में पड़ने वाले इस नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहते हैं और इस नवरात्र की विशेषता है कि हम घरों में कलश स्थापना के साथ साथ पूजा पंडालों में भी स्थापित करके माता भगवती की आराधना करते हैं। इस कारण से अभिजित मुहूर्त में ही स्थापना करना शुभ फलदायक होता है।